कोई नहीं, वो सब बेकार की बातें। इन लोगों असल में बहुत दिन से बहुत लोग टीवी पे आया नहीं है, तो कुछ ना कुछ बोल करके आ जाए। अपना कुनबा तो देखा नहीं जाता, सारा अलायंस पार्टनर भाग गया। दक्षिण भारत में जो सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर था भाजपा का, अब वो भी भाग गया। तेजस्वी जी, बिहार में हलचल तेज है नीतीश कुमार को लेकर के, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी के ऊपर। आप एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, कुछ जो मीडिया में एक जो विशेष वर्ग है और बीजेपी के लोगों की ये साजिश है कि नीतीश कुमार जी की छवि को धूमिल किया जाए, और उन्होंने तो सारी बात स्पष्ट कर ही दी, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होते, तो बेकार की बात है। लेकिन फिर भी ये चीज़ें आ रही हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। पिछले साल 9 अगस्त को हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम बिहार में तो एक हुए ही हैं, लेकिन देश भर में लोगों को एक करेंगे। उस पर हम लोग सफलता पाई, और हम लोगों की इच्छा यही है जो लोग सत्ता में अभी काबिज हैं, जो दंगा फसाद कराते हैं, इनको जो है एक सत्ता से बेदखल करना है। इसलिए हम लोग एक हुए हैं और पूरी ताकत के साथ एक साथ जो है हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, गिरिराज सिंह बता रहे हैं कि आरजेडी पर दबाव बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार इस तरह से कुछ कोई नहीं, वो सब बेकार की बात है। इन लोगों असल में बहुत दिन से बहुत लोग टीवी पे आया नहीं है, तो कुछ ना कुछ बोल करके आ जाए। अपना कुनबा तो देखा नहीं जाता, सारा अलायंस पार्टनर भाग गया। दक्षिण भारत में जो सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर था भाजपा का, अब वो भी भाग गया। तो बचा कौन है? करके सवाल है सर कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंसी हुई है, कांग्रेस नाराज चल रही है। कहा बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कौन आपको खबर देता है? अरे आप लोगों को बैठा करके अब अगले बार किया जाएगा। रमेश जोड़ी का जिस तरीके से बयान आया था, किस तरीके से रमेश जोड़ी का बयान जो बयान आया था उसको लेकर के देखिए, पीड़ा तो होती है कि भाई संसद की गरिमा होती है और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोग देश जो है आपको देखता है। आप सवाल जो जनता चाहता है वो आप नहीं पूछ रहे, आप जो है वही दंगाई वाली जो भाषा, जो असल चेहरा, जो हिडन एजेंडा जो बीजेपी का है वो सार्वजनिक हो गया। उनके मन में क्या है, दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, जुबान में क्या है, ये एकदम स्पष्ट हो गया। और हम लोग तो पहले ही कहते हैं इन लोगों पर कोई कार्रवाई तो होगी नहीं ना, कि बीजेपी है, बीजेपी में कितना भी रेप कर लीजिएगा तो रेपिस्ट जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता। महिला पहलवान जो देश के लिए मेडल लाएगी वो भी धरने पे बैठेगी, लेकिन फिर भी जो है वो रेपिस्ट पे जो है कार्रवाई नहीं होती है। किसानों की स्थिति यही हाल है, तो इसलिए बीजेपी में चाहे कितना से भी बड़ा भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, उस पर ना कार्रवाई हो सकती है ना कुछ हो सकता है, क्योंकि भाजपा का संरक्षण है ना। तो यही आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्राइम, तो ये सवाल तो बोलना कुछ है करना कुछ है।